I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain has never come. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज है स्पेशल डे। स्पेशल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो कि पिछले ढाई महीने से बंद था वो आज फिर से शुरू हो रहा है। और इसके बाद कितने दिन तक ऑनलाइन चलते, कितने दिन तक ऑफलाइन, आई डोंट नो। और आज सारे लेक्चर्स हैं इसलिए ऑनलाइन है। और जो हमारे इन्फॉर्मेशन आया है कि ऑनलाइन ही लेक्चर चलेंगे जैसे पहले के मैनर्स में चल रहे थे, और ऑफलाइन चलेंगे क्लासेस। तो क्लासेस वाले दिन क्या हो, कैसे क्या होता है वो दिखाऊंगा। आज तो सारे लेक्चर्स हैं, तो लेक्चर सारे के सारे ऑनलाइन हैं। सो गुड मॉर्निंग। तो कल लेके आया था लिप्टन ग्रीन टी और उसके साथ साथ कॉफ़ी। तो आज सुबह सुबह वर्कआउट तो है शाम को, मगर सुबह से थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे और शाम को भी एक बार पियेंगे। और खाना खाने के बाद से अब से ग्रीन टी। और ये मैं मम्मी के लिए लेके आया था, तो मम्मी को थोड़ी देर बाद दे दूँगा। पानी डाल देता हूँ। और ये वाला वो कैटल है जो कि ना दूसरा वाला कैटल है, उस दिन शॉक लगा था इसलिए वो कैटल ही चेंज कर दिया। तो ये पानी डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा ढक्कन बंद करके, मुझे डर लगता है पता नहीं अब, और इसको ऑन कर देते। ये वाला पोर्शन देखा, ये वाला पोर्शन में लाइट जलता है और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। वो वाला जो था ना पहले वाला कैटल, बहुत जल्दी एकदम से गर्म कर देता था, ये वाला बहुत स्लो करता है। 5 मिनट हो गई है, आई थिंक गर्म हो गई होगी। पहले तो ये प्लग निकालता हूँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है उसके बाद से। पानी हमारे हो चुका है गर्म और इसमें डाल देते हैं, एक मग तो हो गई। बिल्कुल परफेक्ट। अब अनबॉक्सिंग करते हैं। होती है बाहर होती, इसके ऊपर भी अलग लेयर था और उसके ऊपर भी अलग लेयर है जो कि खुल चुका है। आई थिंक एक चम्मच से थोड़ा सा कम इनाफ होगा, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी है तो ये इनाफ है। तो सुबह का अभी 8 बज रहे और मम्मी ने फिश फ्राई दे दिया सुबह सुबह। ओहो हो, थैंक यू। बेलू 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 बेलू, गुड मॉर्निंग बेलू 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 बेलू। खा जा खा जा खा जा, पूरा हाथ खा जा। सो 10:30 से क्लास शुरू होने वाला था, क्लास अभी तक शुरू हुआ ही नहीं, जो कि आप देख सकते हो अभी दिखा रहा है कि 1:30 से क्लास है। तो 1:30 से क्लास होगा तो बहुत टाइम है अपने पास, तो अभी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि सुन रहा हूँ कि सब पढ़ने लग गए हैं। भैया यार, मेरा कंसंट्रेशन बैठ ही नहीं रहा, इतने दिन से मैं पढ़ना छोड़ रखा हूँ ना कि लाइक थोड़ी देर बैठ रहा हूँ फिर क्यों बैठा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और यूट्यूब खुल जाता है, आजकल मैं इतना ज़्यादा यूट्यूब देखता हूँ, मेरे फ़ोन में जो दिखाता ना बैटरी परसेंटेज किस में ज़्यादा खर्चा हुआ है, 10 घंटा यूट्यूब पे। तो फाइनली क्लास शुरू हो चुकी है और क्लास आज हो रही है, स्पोर्ट्स मेडिसिन का क्लास लगा हुआ है और ये 12:35 से शुरू हुआ है। और देखते हैं क्या क्या होता है, ए टू जेड आपको बताता हूँ क्लास खत्म होने के बाद। मगर ये है लेक्चर, पता नहीं इसमें क्या है, स्पोर्ट्स मेडिसिन तो लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या मेडिसिन आता है सब कुछ आपको बताएंगे इस क्लास खत्म होने के बाद, इस लेक्चर खत्म होने के बाद। सो लेक्चर तो हो चुके खत्म, मगर लेक्चर में क्या पढ़ा है कुछ समझ में नहीं आया। कुछ तो स्पोर्ट्स मेडिसिन करके था, तो 2-3 मतलब ऐसे दिखाया, दिखाने के बाद बोलती है कि ठीक है मैं इसका ना एक PDF भेज दूंगा, जो भी ग्रुप मॉनिटर होगा उसको भेज दूंगा, वहाँ से देख लेना। अभी मैं साइन ऑफ करती हूँ, मतलब चली जाती हूँ, तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं तब बात करेंगे, ये बोल के तो निकल गई। दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो AC ऑन करना ही पड़ा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा। तो अभी AC ऑन कर दिया है और अभी चाय पियेंगे, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखा है और AC ऑन करने को हल्की ठंडी लगेगी। और क्योंकि कल ग्रीन टी भी लेके आया हूँ और उसको भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया हूँ, लास्ट टाइम मैंने जस्ट किया था शायद मामी के घर पे और अभी पी रहा हूँ, तो एक्सपेरिमेंट तो बनता है। एक्सपेरिमेंट के बाद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला ना वो पाउच वाला नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि 80 कप्स बनेंगे और इसमें प्योर एंड लाइट, और उसका जो है ऐसे कुछ बनाना है, मतलब तो पानी उबाल लेना है, और पानी उबाल लेने के बाद उसमें फिर 3-4 मिनट्स उबालने के बाद
उसमें करना है क्या लिखा हुआ है, स्टैंड इनटू फोर कप जो है ना छन्नी, उसके ऊपर रख के स्टैंड करना है और उसमें पीना है। तो देखते हैं ये बनाते हैं और ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ और इसका टेस्ट बताता हूँ मैं आपको कैसा है। सो हमारी चाय रेडी हो चुकी है और ये देख सकते हो कुछ इसमें, और इसमें एक दो पत्ता गिर चुका है, पहले से गिर चुका है। सो एक कप चाय सही है, ग्रीन टी अभी पियेंगे, थोड़ा सा अंदर का जो भी डिटॉक्स करना कर देगा। उस रूम में चलते हैं, देखते हैं बेला मम्मी क्या कर रही है। तो अंधेरा हो रखा है और ये तो बेला यहीं पे लेटी हुई है और मम्मी भी यहीं पे है, बस लाइट ऑन करना है, यहाँ पे रखते हैं। ये लो लैपटॉप ठीक करवा के लेके आया था और लैपटॉप फिर से ये ख़राब हो गई, आई डोंट नो क्या हो रखा है। तो मैंने फ़ोन किया जिसने लगवाया था, तो बोला जो SSD लगवा के दिया था वो शायद करप्ट हो चुके, तो आपको फ्री में रिप्लेसमेंट मिलेगा क्योंकि उस पर 5 साल का वारंटी था। यार उन्होंने तो बोल दिया कि ठीक कर देंगे, मगर बात यह है कि 2 दिन क्लास भी है, कल भी क्लास है, मतलब आज का क्लास तो हो गया था, लेक्चर था, और कल भी क्लास है, तो फिर कल का क्लास के लिए कैसे करूँ, आईपैड से करना पड़ेगा फिर तो, तब ये लैपटॉप की जगह पे आईपैड ही काम आएगा और इसी आईपैड से हम लोग काम, मतलब मैं काम करूँगा। बाय द वे ये जो ग्रिप दिखा रहा हूँ ना, ये वाला ट्राईपॉड का सच्ची में बहुत ही सही है, लाइक मैं इसको ग्रिप बहुत सही तरीके से कर सकता हूँ और कभी भी कोई भी एंगल करके इसके साथ बात कर सकता हूँ, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा ग्रिप मोटा है तो पकड़ने में सही आ रहा है। और ब्लॉगर के लिए सबसे बड़ी बात होती है ग्रिप कितनी अच्छी होती है, उस हिसाब से होती है। सो ये वाला जो पोर्शन है ना घर का, ये वाला पोर्शन मेरा सबसे फेवरेट पोर्शन है, मैं खड़े होकर सबसे ज्यादा ब्लॉग यहीं पे बनाता हूँ, आई लव दिस प्लेस पे, ऐसे ब्लॉग बनाऊँ ऐसे। यहाँ पे मेरा फ्रंट से लाइट पड़ती है और फ्रंट से लाइट पड़ने के बाद एकदम से रौनक आ जाती है और रौनक आने की वजह से ब्लॉग और भी सही लगता है। बाय द वे अभी टाइम देख सकते हो 5 बजने वाला है और 6 बजे मैं रोज, मतलब 6:30-7 बज जाते हैं रोज जाते जाते जिम, तो अभी से 6 बजे जाया करूंगा और 6 से 8 बजे के अंदर घर आके नहा धो के फिर 8:30-9 बजे से देखना पड़ेगा थोड़े बहुत, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो रहा है तो पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, तो अभी देखते हैं या फिर 5:30 बजे तक निकल जाऊंगा, अब वो डिपेंड करता है बेलू पे, बेलू मेरे साथ कितने देर तक खेलती है। सो अपने बेलू खेल कूद के थोड़ी बहुत रेस्ट कर रही है, अब इसका हो चुका है तो हाय बेलू चले। ओह अभी भी मूड है, अभी भी मूड है। बेला का जो सबसे फेवरेट वाला गेम है ना वो ये बॉल, ये बॉल फेंकता हूँ और वो लेके आती है और उसके बाद मुंह से पकड़ के रख देती है, तुम उसको छीन के लो तो छीनना पड़ता है, फिर देखो अभी वो सो रही होगी, मेरी बैठी हुई है अभी तो, उसका मूड बिल्कुल खत्म हो चुका है, SSD ने धोखा दे दिया, गलत किया गलत। मस्ती टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया, अब निकलते हैं जिम के लिए क्योंकि टाइम हो चुका है 6:30 बजने वाले, तो 6:45 बजे तक मैं पहुंच जाता हूँ जिम, तो फटैक्स। सो मैं तो रेडी हो चुका हूँ मगर मेरा पानी अभी तक रेडी नहीं हो पाया क्योंकि मैं पानी इसमें गर्म लगाया था और जबकि पता है पिछले वाले दिन तो फट गया था, मतलब शॉक लगा था, ये वाला दूसरा है तो इसमें पानी गर्म लगाया है, अब इसमें देखते हैं कब तक टाइम लगता है। तो ये तो करीब मैं 2 मिनट लगा चुका हूँ, इसमें बस हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, अगर पानी गर्म हुआ है नहीं हो रहा है ये चेक भी नहीं कर सकता, अगर मान लो गर्म नहीं हुआ तो फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि फिर से लगाना पड़ेगा, अगर हो गया तो इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही है, और उस वाले में ना लगाने के स्विच देने के साथ ही गर्म आवाज़ आ जाता था, अब इसमें आ ही नहीं रहा, वो गर्म होता था बता देता हूँ। आज भी देखना स्वेट आउट इतना करूँगा कि देखो पहले दिन मैंने किया था कुछ 300 किलो कैलोरी बर्न किया था, उसके बाद वाले दिन भी मैंने 400 समथिंग और उसके अगले वाले दिन किया था 728 जो कि मैंने आपको दिखाया, और जो कल किया था वो शायद 646 कुछ था, 646 था, और आज शायद कल वाला रिकॉर्ड तो ब्रेक कर ही दूंगा, और थोड़ा जो है ना वार्म अप करने के लिए मैं आज से ब्लैक कॉफी टी बोलने जा रहा था, ब्लैक कॉफी पी के जाऊंगा, तो उससे क्या होता है बॉडी बहुत ज्यादा एकदम से एनर्जेटिक रहती है, कैफीन रहता है बॉडी में और प्री वर्कआउट के लिए सबसे बेस्ट रहता है, सारे यही रिकमेंड करते हैं, कॉफी एक ऐसी चीज है प्री वर्कआउट के लिए एक नंबर चीज है, इसमें कोई भी आपको कुछ लेना नहीं है अलग से, तो बेस्ट ऑप्शन ये है। और ब्लॉक करने के लिए मैं हाथ को बिल्कुल स्ट्रेच आउट कर चुका हूँ इसलिए मेरा ये भी दिख रहा है, और ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट रहता है।
कितने बार तारीफ कर दूं, ये वाला मतलब रेड वाला जो लिया है ना, क्या बोलते हैं इसको, ट्राईपॉड, मैं नाम भी भूल जाता हूँ। प्लग से तो मैंने खोल दिया, अब देखते हैं ये गर्म हुआ है नहीं हुआ है। नहीं हुआ है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। चलो जितना गर्म हुआ है इतने में निकल देते हैं, नहीं तो टाइम नहीं मेरे पास, अब इतना काफ़ी होगा। इतना भी काफी होगा। ये भी टाइट कर दिया, इतना भी काफी होगा। सही है। सही है, बिल्कुल सही है। गर्मी से ज्यादा भी पिया भी नहीं जाता। चलते हम। सो जिम के लिए बेसिक क्या क्या चीज मुझे चाहिए होती है, मुझे ये ईयरफोन और मेरा ये घड़ी, क्योंकि इसी से तो ट्रैक करूंगा। तो टाइम देख सकते हो 6:35 हो चुकी है, जो कि दिख ही नहीं रहा, हो चुका है। आ चुका हूँ घर पे, और आने के बाद जल्दी से नहा लिया, और क्योंकि पसीना पसीना हो रखा था, पहले पसीना पोछा और पोछने के बाद फिर नहाया, और नहाने के बाद अभी आपके सामने कर रहा हूँ कंघी, जो कि ना आप देख सकते हो। और बाय द वे आज का जो जिम सेशन था, मज़ा ही आ गया यार। एब्स में ना इतना धमाकेदार किया ना, जैसे कि आपने देखा ही होगा, 879 मतलब किलो कैलोरी बर्न किया आज, जो कि ना आपको दिखाया। और इसमें जो मजा आया ना, हिंदुस्तान के सारे लौंडों को ये वाला मजा आना चाहिए यार। खाने पीने में तो हर कोई ध्यान देता है, मगर कोई एक्सरसाइज के बाद बोले ना तो फट के हाथ में हो जाती है, मगर इसमें ना फटने में भी मजा आता है। तो मैं ना आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि भाई पेट है ना, पेट ये इस पे लगा है, और कल भी किया था, आज भी किया है, कल भी करूंगा। और हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो 1 साल बाद ही आएगा, जब आएगा देखा जाएगा, 1 साल तो लग ही जाएगा पेट कम होने में, बस ये तो शुरुआत है, देखते कब तक चलती है। अगर मान लो कि सही चल जाती है तो बल्ले बल्ले। घर पे आया तो देखा 4-4 अंडे मम्मी ने बॉयल करके रख दिए, और इसको बस निकालना है और खाना है, साथ में 1 रोटी और दाल। भाई साहब प्रोटीन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सो रात बहुत हो चुकी है, अब चलते हैं सोने, और टाइम देख सकते हो 11:10 हो चुका है, और कल सुबह भी उठना है 11 बजे, मतलब 6 बजे तक उठ जाऊंगा, और 6 घंटे की नींद आराम से हो जाएगी, क्योंकि नींद आने में भी आधा घंटे 1 घंटा लगी जाती है, और नींद टूटने में भी लग जाती है, मतलब नींद तो यूँ टूट जाती है मगर आने में टाइम लग जाता है। तो चलते हैं सोने, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और हो सके तो सब्सक्राइब, और हाँ जय हिंद, खुश रहो, खुश रखो।